Hello my dear students, in this class we will solve some problem on Nyquist plot. तो last class में हमने देखा था Nyquist plot की कुछ basic theory, तो हल्का सा उसको हम revise कर लेते हैं. तो क्या हमने पढ़ा था? सबसे पहला point हमने पढ़ा था n equal to p plus minus z plus. ठीक है, ये काफ़ी important है. जहाँ पर n क्या है आपका? number of encirclement. ठीक है, total number of encirclement of minus वन एंड जे जीरो, इसके एनसर्कलमेंट. यदि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी? जब आपका एनसर्कलमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगी जब आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. पी प्लस यहाँ पर क्या था? पी प्लस था आपका टोटल नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाइंग इन द राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन. ठीक है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि दीज पोल्स विल ऑल्सो बी, दीज आर पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. क्योंकि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पोल्स दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं. जेड प्लस क्या होता है? जेड प्लस होता है जीरोस, जीरोस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाइंग इन द राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन. ओके, इनको हम जीरोस ऑफ क्लोज लूप सिस्टम भी बोल सकते हैं, जीरोस ऑफ क्लोज लूप सिस्टम. ठीक है, और फोर द क्लोज लूप सिस्टम टू बी स्टेबल, जेड प्लस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए. ये आपको कुछ पता होना चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था आपका क्लोजिंग ऑफ नाइक्विस्ट. क्लोजिंग ऑफ नाइक्विस्ट, तो इसमें हमने तीन टर्म पढ़े थे. सबसे फर्स्ट केस हमने देखा था इफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कंटेन्स पोल एट द ओरिजन, पोल एट द ओरिजन. ठीक है, सेकेंड केस में हमने देखा था कि इफ नंबर ऑफ जीरोस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ पोल्स. ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ पोल्स. और थर्ड केस था आपका कि इफ देयर इज नो पोल्स एट ओरिजन एंड ऑर्डर ऑफ जीरो इज नॉट ग्रेटर देन द ऑर्डर ऑफ पोल. तो ये आपका थर्ड केस हो जाएगा. फर्स्ट केस में हमने जो एनसर्कलमेंट किया था वो एन पाई से किया था, एन पाई क्लॉक वाइज डायरेक्शन में. ठीक है, सेकेंड केस में जो आपने एनसर्कलमेंट किया था वो एम माइनस एन पाई से किया था, ये भी आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन में था. और जो थर्ड केस था उसमें ऑलरेडी जीरो प्लस एंड जीरो नेगेटिव एंड इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नेगेटिव आपस में शॉर्ट सर्किट रहते हैं. इसका मतलब है कि वहाँ पर एक क्या फॉर्म होगा आपको? एक सर्कल फॉर्म होगा. ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए. और एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए क्या, कि इन केस ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट किसको लेते हैं? ओरिजिन को. ठीक है, ओरिजिन को क्या मानते हैं हम? क्रिटिकल पॉइंट. ओरिजिन के यदि इंक्लूड कर रहा है कोई सिस्टम तो स्टेबल है, अदरवाइज अनस्टेबल. और इन केस ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट हम किसको मानते हैं? माइनस वन जे जीरो. ओके, तो इतना हमने अभी तक पढ़ लिया था. नेक्स्ट हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. कुछ पहले बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एडवांस पर आएंगे. तो ये अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें जी एस एच एस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमको दे रखा है. इसकी वैल्यू है के एस टाउ ए प्लस वन एस टाउ ए प्लस बी एम ए सॉरी वन अपॉन एस क्यूब एस टाउ वन प्लस वन एस टाउ टू प्लस वन. ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ओरिजिन पर पोल हैं या नहीं. तो पहले हम देखेंगे कौन सा केस है ये. तो ये केस नंबर फर्स्ट है, क्लोजिंग ऑफ नाइक्विस्ट का केस नंबर फर्स्ट है. तो सबसे हम पहले देखेंगे इसके पोल्स. तो पोल्स कहाँ कहाँ हैं इसके? तीन पोल्स तो ओरिजिन पर हैं, जीरो जीरो जीरो. एक पोल है आपका माइनस वन अपॉन टी वन पर, दूसरा पोल है माइनस वन अपॉन टी टू पर. अब जीरोस की बात कर लेते हैं. जीरो कहाँ पर है इसके? माइनस वन अपॉन टी ए पर एंड माइनस वन अपॉन टी बी पर. ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसका बेसिक प्लॉट ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो देखिए इसका प्लॉट इस तरह हम ड्रॉ करते हैं. ये आपकी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. तो तीन जो पोल हैं आपके वो कहाँ हैं? ओरिजिन पर. तो ये हमने एक पोल,
दो पोल और ये तीन पोल, ठीक है। थ्री पोल्स कहाँ बना दिए हमने, ओरिजिन पर बना दिए। दो पोल कहाँ बनाने हैं आपको, लेफ्ट हैंड साइड में बनाने, ठीक है। तो एक्चुअली आपको इनकी वैल्यू नहीं पता है, जनरल केस ले रहे हैं तो आप अभी कहीं पे भी बना सकते हैं। तो सपोज कि मैंने एक बना दिया यहाँ पर, इसको ले लिया है माइनस वन अपॉन टी वन, और दूसरा ले लिया यहाँ पर माइनस वन अपॉन टी टू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका वेरी करता रहेगा। जीरोस भी बना लेते हैं। जीरो सपोज किया मैंने, यहाँ पर आ रहा है आपका माइनस वन अपॉन टी ए, यहाँ पर आया है माइनस वन अपॉन टी बी। आपकी मर्जी, आप इनको कहीं पे भी ले सकते हैं, मैंने सपोज किया यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं नाइक्विस्ट पाथ। क्या ड्रॉ करेंगे, नाइक्विस्ट पाथ। तो नाइक्विस्ट पाथ और नाइक्विस्ट प्लॉट दोनों ही अलग होते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ किया जाता है नाइक्विस्ट पाथ। ईएस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स में केवल नाइक्विस्ट पाथ पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ओरिजिन पर पोल है, मतलब इसका ये हुआ ये राइट हैंड साइड में तो पोल नहीं गए, मतलब सिस्टम अनस्टेबल तो नहीं होगा, ठीक है। और सिस्टम जब अनस्टेबल नहीं होगा तो इस वाले पोल्स को ये इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये जीरो वाले पोल्स को एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे राइट हैंड साइड को कवर करेंगे एक्सेप्ट ओरिजिन। तो ओरिजिन को आपको जीरो वाली पोजिशन को छोड़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जीरो से ना स्टार्ट करते हो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको मैंने सपोज नाम दे दिया है जीरो प्लस, ठीक है। और जीरो प्लस से होते हुए हमने क्या किया है, एंटायर इस राइट हैंड साइड को कवर करते हुए गए ऊपर, ठीक है। और हम इन्फिनिटी रेडियस तक पहुँचे, यहाँ पर हमने ले लिया है जे इन्फिनिटी प्लस, ओके। अब हमको क्या करना है, इसकी मिरर इमेज बनानी है, ठीक है। मिरर इमेज कहाँ से बनाएंगे, जीरो नेगेटिव से बनाएंगे, और कहाँ तक बनाएंगे, जे इन्फिनिटी माइनस तक बनाएंगे। तो ये था आपका जीरो नेगेटिव और ये जे इन्फिनिटी माइनस। हम जानते हैं जीरो नेगेटिव से हम जीरो पॉजिटिव को ज्वाइन कर देते हैं, और जीरो इन्फिनिटी पॉजिटिव से हम इन्फिनिटी पॉजिटिव से हम ज्वाइन कर देते हैं इन्फिनिटी नेगेटिव को, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपका ये आपका प्लॉट क्लोज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं नाइक्विस्ट पाथ। तो आप याद रखिए, नाइक्विस्ट पाथ अभी हमने ड्रॉ किया है, नाइक्विस्ट प्लॉट नहीं किया। तो चलिए अब नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करते हैं। नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करने से पहले, ठीक है, आपको जी एस एच एस प्लॉट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, जी एस एच एस प्लॉट। तो ये मैंने तैयार कर लिया है जी एस एच एस, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि ये केस नंबर वन है। कौन सा केस है, केस नंबर वन, व्हेन सम पोल्स आर प्रेजेंट एट ओरिजिन। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि जो आपका जी इन्फिनिटी प्लस था एंड जी इन्फिनिटी माइनस था, दोनों आपस में कैसे रहते हैं, शॉर्ट रहते हैं, ठीक है। जी इन्फिनिटी प्लस एंड जी इन्फिनिटी माइनस, इसके साथ एच इन्फिनिटी प्लस भी है, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिख दिया है, जी को डिनोट करूंगा केवल मैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके। तो सबसे पहले मैं सपोज कीजिए आपको एक ग्राफ दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। मैंने एक ग्राफ बनाया है यहाँ पर, अभी हम जनरलाइज फॉर्म को पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम सीखेंगे किस तरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं किस तरह ड्रॉ करके दिया जाता है। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पर कुछ इस तरह से दे रखा है, और यहाँ पर ये क्लोज था, ओके। ये हमको दे रखा है एक पोलर प्लॉट। क्या दे रखा है, पोलर प्लॉट। तो देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, पोलर प्लॉट क्या होता है और नाइक्विस्ट प्लॉट क्या होता है। तो कुछ नहीं, नाइक्विस्ट प्लॉट जब बच्चा होता है, बेबी होता है, तब उसे क्या कहते हैं, पोलर प्लॉट। और बेबी जब बड़ा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट। तो कोई अंतर नहीं है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना, मैं आपको उसको भी क्लियर कर दूंगा। तो ये आपको पोलर प्लॉट दे रखा होगा, ठीक है। अब
पोलर प्लॉट देने के बाद हमें क्या करना है, उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। उस क्लोजिंग को ही क्या, क्लोजिंग करने के बाद जो पाथ आपको मिलेगा उसे ही बोलेंगे नाइक्विस्ट पाथ। तो क्लोजिंग करने के लिए सबसे पहले हम इस पोलर प्लॉट का मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज बनाते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखिए ये आपका यहाँ से आएगा इस तरह से, ये आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया है, ओके। और ये वाला पार्ट है इसका बन जाएगा इस तरह से, इसमें किसी को कन्फ्यूजन। और जो ऊपर वाला पार्ट है उसका बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये आगे मिरर इमेज, और इस डायरेक्शन में एरो होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा, इधर इसका नीचे की साइड एरो होगा, ओके। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्लोजिंग करना है हमें, क्या करना है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है यदि ओरिजिन पर पोल हो तो हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनसर्कलमेंट करते हैं, और एनसर्कलमेंट करते हैं एन पाई से, कितने से, एन पाई से, जहां पर एन था टोटल नंबर ऑफ पोल्स एट द ओरिजिन। तो हमें पता है यहां पर एस क्यूब है, पोल्स में क्या है एस क्यूब, इसलिए ओरिजिन पर पोल कितने हैं आपके, थ्री। तो हमें यहाँ पर थ्री पाई से एनसर्कलमेंट करना पड़ेगा, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो एनसर्कलमेंट करना हम स्टार्ट करते हैं, ओके। एनसर्कलमेंट कहाँ से करना है आपको, एनसर्कलमेंट करना है जीरो नेगेटिव से, ठीक है, जीरो पॉजिटिव की साइड, जीरो नेगेटिव से जीरो पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीरो नेगेटिव कहाँ है और जीरो पॉजिटिव कहाँ है। तो ऊपर जो ये आपका ऊपर वाला पार्ट है ब्लू, ये है आपका जी इन्फिनिटी प्लस, और नीचे वाला जो पार्ट है रेड, उसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों आपस में शॉर्ट रहते हैं क्योंकि फर्स्ट केस है, इसमें मैंने बताया था जी इन्फिनिटी प्लस और जी इन्फिनिटी नेगेटिव पहले से ही शॉर्ट रहेंगे। आपको क्लोज करना होगा किसको, जी जे जीरो नेगेटिव एंड जी जे जीरो पॉजिटिव को, ठीक है। अच्छा, एनसर्कलमेंट हम कहाँ से करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव इन केस ऑफ जीरो। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जीरो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जा रहे थे, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर भी नेगेटिव से, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, इससे कहाँ जाएंगे, इस पॉजिटिव की साइड जाएंगे। तो कितनी बार जाना आपको, थ्री पाई, तो थ्री पाई हमने इसको घूम गए, ये एक पाई, ठीक है, ये आपका हो जाएगा दो पाई, ओके, और ये हो जाएगा आपका थ्री पाई, क्लियर। तो थ्री पाई हमने यहाँ पर इसको एनसर्कलमेंट कर दिया है, तो बिल्कुल आसान है, कुछ इसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है ये आपको नाइक्विस्ट प्लॉट। तो ये हमने इस तरह से इसको एनसर्कलमेंट कर दिया है, ठीक है। एनसर्कलमेंट करने के बाद अब हम देखेंगे सिस्टम की स्टेबिलिटी किस तरह हम चेक करते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए सिस्टम का यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी थी, हमें दे रखा था माइनस का के, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी थी उस वो दे रखा था माइनस टू बाय थ्री के, ओके। अब हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर ले आके इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है, ये इस पॉइंट को मैं नंबर वन दे देता हूँ, और फिर चेक करेंगे हम इस पॉइंट पर, सेकंड पर, और थर्ड पर हम यहाँ करेंगे इस वाले पॉइंट पर। तो सबसे पहले आपको माइनस वन जे जीरो यहाँ पर लेना है, उसके बाद माइनस वन जे जीरो यहाँ पर लेना है, उसके बाद थर्ड पॉइंट पर लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फॉर स्टेबिलिटी हम जानते हैं, एक फॉर्मूला हमने देखा था एन इक्वल टू पी प्लस माइनस जेड प्लस। अच्छा, पी प्लस की वैल्यू हमें पता है, P प्लस क्या है आपका, नंबर ऑफ पोल्स लाइंग राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। राइट हैंड साइड में आपको कितने पोल दिख रहे हैं, देखिए राइट हैंड साइड में आपको इसमें एक भी पोल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो P प्लस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जीरो। अच्छा, N प्लस की वैल्यू, N की वैल्यू आपको मालूम है क्या, नहीं अभी नहीं मालूम है। Z प्लस की वैल्यू मालूम है क्या, नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में देखिए
हमने पॉइंट लिया है यहाँ पर, ठीक है, इस पर हम देखेंगे कितने एनसर्कलमेंट हैं। तो एनसर्कलमेंट हम चेक करते हैं, एनसर्कलमेंट का मतलब होता है क्लोजिंग, टोटल क्लोजिंग कितनी है, ठीक है। एनसर्कलमेंट का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर उसका सर्कल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि एनसर्कलमेंट काउंट करते टाइम, एनसर्कलमेंट काउंट करते टाइम हम कहीं से भी, जैसे इस मिड पॉइंट से भी हम क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले इस पॉइंट के हमको क्या चेक करना है, एनसर्कलमेंट चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सपोज कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया और डायरेक्शन में ही जाना आपको, ये आप डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और ये देखिए यहाँ तक आए हैं, इसके बाद ये फिर प्रॉपर वहीं से गए हम और यहाँ पर पहुँच गए, ओके। तो एक एनसर्कलमेंट हो गया, दूसरा एनसर्कलमेंट हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इस तरह इधर से गए हैं, और रिपीट नहीं करना आपको, इस वाले पाथ पर नहीं जाना है, फिर से कहाँ जाना है, इधर वाले पाथ, नए पाथ पर जाना है, और आपने यहाँ पर आकर क्लोज कर दिया है। तो इसके अलावा आपको कोई एनसर्कलमेंट नहीं दिख रहा हुआ, ठीक है। तो एनसर्कलमेंट का मतलब क्या हुआ, एक बार जिस पाथ पर आप चले गए हैं उस पर दोबारा नहीं जाना है, ठीक है। और बीच में भी आप कहीं से भी, जैसे ये क्रॉस ओवर पॉइंट था, ठीक है, तो आप इधर भी जा सकते हो, यहाँ से आप यहाँ से इधर भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपको जिस पाथ पर आप पहले जा चुके हो उस पर दोबारा नहीं जाना है। तो यहाँ से हमें पता चला कि एनसर्कलमेंट क्या है, कितने हैं इसके, इस वन पॉइंट के हैं आपके टू, और किस डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों ही आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं, ठीक है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि आपके एनसर्कलमेंट होते हैं तो हम उनको नेगेटिव साइन लेते हैं, तो माइनस का टू हो जाएगा ये, ठीक है। तो एन की वैल्यू आपको पता चल गई है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे, तो माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा जीरो माइनस जेड प्लस, तो जेड प्लस की वैल्यू हो जाएगी आपकी टू, और जैसे ही जेड प्लस की वैल्यू टू ही, तो सिस्टम कैसा हो गया, अनस्टेबल, क्योंकि सिस्टम के स्टेबल होने के लिए जेड प्लस की वैल्यू जीरो होना चाहिए। यहाँ पर वो के की रेंज भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो के की रेंज भी हम निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो के था आपका, के माइनस का के, ठीक है, माइनस का के इस माइनस वन से बड़ा है या छोटा है, अभी देखिए, ठीक है, ये माइनस का वन था, ये माइनस का के था, माइनस का वन और ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, तो माइनस का के क्या है आपका, बड़ा होगा माइनस के वन से, ये आप समझते हैं, ठीक है। तो इसलिए के की वैल्यू हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, के इज लेस देन वन, ओके। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट पॉइंट समझा है कि किस तरह हमने इस फर्स्ट लोकेशन के लिए सिस्टम की स्टेबिलिटी काउंट की है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट के लिए। तो चलिए सेकेंड पॉइंट पर हम निकालते हैं सिस्टम स्टेबल है या नहीं। तो चेक करते हैं सेकेंड पॉइंट पर हम कि नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट कितने हैं। तो नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट करने के लिए हमें उसके चारों तरफ घूमना पड़ेगा। तो देखिए एक एनसर्कलमेंट तो ये रहा आपका, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन में घूमना है, इस डायरेक्शन में जा रहा है आपका, ये इधर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कितना है वन, ओके। और दूसरा एनसर्कलमेंट देखिए, और कौन सा मिल रहा है आपको, एक एनसर्कलमेंट कौन सा हो सकता है आपका, यहाँ से हम गए हैं यदि, और ये हमने इसको पूरा इस कवर करते हुए यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, तो ये दूसरा एनसर्कलमेंट हो जाएगा आपका, ओके। तो नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट कितना होगा आपके टू। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक एनसर्कलमेंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ओके। तो सेकेंड पॉइंट के लिए नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट कितने हो जाएंगे, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उसको हम लेंगे माइनस वन, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उसको लेंगे हम प्लस वन, तो प्लस माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ओके। तो एन इक्वल टू पी प्लस माइनस जेड प्लस, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो इक्वल टू जीरो माइनस जेड प्लस, तो जेड प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका जीरो। तो इससे हमें पता चलेगा कि सिस्टम कैसा हो गया, स्टेबल, सिस्टम कैसा हो गया, स्टेबल।
और इस केस में आपको यदि k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू यहाँ पर निकालना है, तो देखिए k की वैल्यू हमको क्या दे रखा है। तो जो आपका माइनस का वन का पॉइंट था, माइनस वन, वो माइनस k से क्या है, बड़ा है, ठीक है, माइनस k से बड़ा है, लेकिन माइनस टू बाय थ्री k से क्या है, छोटा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो माइनस k था आपका वो लेस देन है किससे, माइनस वन से, यानी कि हम k इज ग्रेटर देन वन हो जाएगा यहाँ से। और सेकेंड केस क्या है, यहाँ पर सेकेंड केस है, यदि यहाँ पर माइनस टू बाई थ्री के है वो ग्रेटर देन है माइनस वन से, तो k की वैल्यू आपको पता चल जाएगी माइनस वन पॉइंट फाइव, सॉरी 1.5, ठीक है, इसको मैंने और सॉल्व कर लिया है। तो k की रेंज क्या बता सकते हो आप, कि k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन एंड लेस देन 1.5, ठीक है, ये इक्वल टू नहीं है, क्या है, लेस देन 1.5 है। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर स्टेबिलिटी, ठीक है, ड्यू टू नाइक्विस्ट प्लॉट। थर्ड केस हम देखते हैं, थर्ड केस सपोज किया हमने कि आपका जो पॉइंट था -j -1 j0 यहाँ पर था, ठीक है, इस पर आपको स्टेबिलिटी चेक करना है। तो सबसे पहले एनसर्कलमेंट देखने पड़ेंगे, तो देखिए एक एनसर्कलमेंट तो यहीं हो रहा है आपका, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वन, सेकेंड एनसर्कलमेंट आपका ऊपर से जा रहा है आपका इधर से, ठीक है, तो दो एनसर्कलमेंट हो जाएंगे, और तो आपको कहीं कोई दिख नहीं रहा। तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट कितने, टू, और दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस साइन है आपका, तो माइनस टू इक्वल टू जीरो प्लस, सॉरी माइनस जीरो प्लस, तो जेड प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, टू, और सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, अनस्टेबल। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपको स्टेबिलिटी पर कमेंट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस टू बाई थ्री के की वैल्यू क्या है, लेस देन माइनस वन, हैंस के इज ग्रेटर देन 1.5 इन दिस केस, ओके। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोई सिस्टम स्टेबल है या नहीं, ठीक है। अब आपको क्या सीखना है कि इस पोलर प्लॉट को हम ड्रॉ किस तरह करते हैं, ठीक है, जो ब्लू वाला पोर्शन था उसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, केवल और केवल आपको इतना ही सीखना है, बाकी पूरा नाइक्विस्ट प्लॉट आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है, और उसकी स्टेबिलिटी पर कमेंट करना भी आप सीख चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है GSHS इक्वल टू 1/SS+1, ओके। तो सबसे पहला हम केस क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पोल्स कहाँ हैं। तो पोल्स हमें पता चल गए, पोल्स हैं 0 एंड माइनस के 1 पर, ठीक है, ओरिजिन पर पोल है, मतलब कौन सा केस है आपका, फर्स्ट केस है आपका, ठीक है। तो चलिए हम इसका बनाते हैं पोलर पाथ। तो पोलर पाथ आप लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम एक x एक्सिस लेंगे और दूसरा लेंगे y एक्सिस, और उस पर बनाएंगे कि आपके पोल्स कहाँ कहाँ इस यहाँ पर आपके रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका है, एक तो आपका ओरिजिन पर है और एक कहाँ आपका माइनस के 1 पर है, ओके। तो इस तरह दो पोल हैं। अब क्या करना पड़ेगा, नाइक्विस्ट पाथ बनाने के लिए आपको इस पोल को क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका पोल है इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा और पूरे एंटायर राइट हैंड साइड प्लेन को कवर करना पड़ेगा। तो इसको लिए हम क्या करते हैं, इस माइनस जीरो से प्लस जीरो की तरफ जाएंगे, जीरो माइनस, ये आपका जीरो प्लस, और यहाँ से पूरे इस राइट हैंड साइड को कवर करते हुए कहाँ पर जाएंगे आप, जे इन्फिनिटी प्लस पर जाएंगे, और इधर जाएंगे आप जे इन्फिनिटी माइनस पर जाएंगे, ठीक है, और इन्फिनिटी प्लस से इन्फिनिटी माइनस को इस तरह क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका नाइक्विस्ट पाथ, ओके। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम पोलर प्लॉट हम स्टार्टिंग में बनाते हैं। तो पोलर प्लॉट बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो आपका GSHS था इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में लेकर आते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, एस की जगह जे ओमेगा को पुट कर देंगे। हमने क्या किया, एस की जगह को जे ओमेगा पुट कर दिया है, तो ये हो जाएगा 1/J ओमेगा 1+J ओमेगा, ओके।
अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड ऊपर तो वन रह जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका ओमेगा, क्योंकि जे ओमेगा का क्या है, ओमेगा, और वन प्लस जे ओमेगा का हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। वन स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा तो वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और एंगल इसका आएगा, ये जे आपको ऊपर जाएगा तो इसकी वजह से आएगा माइनस का 90 डिग्री। ओके, और ये जो आपका पार्ट है इसमें आएगा आपका, इसके वजह से आएगा आपका टेन इनवर्स कितना आएगा, इमेजिनरी अपॉन रियल, इमेजिनरी क्या आपका ओमेगा, रियल क्या आपका वन। तो ये आपका इस तरह से एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इसमें पुट करनी है और एक ग्राफ ऑब्टेन करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा और बहुत ही ज़्यादा आसान है। वो क्या है, आपको केवल और केवल ओमेगा की दो ही वैल्यू पर चेक करना है। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू जीरो, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, केवल और केवल इस पर चेक कीजिए और आपका प्लॉट आपके सामने तैयार हो जाएगा। तो देखिए कैसे, तो जे हमने क्या किया, जी जे जीरो प्लस पर चेक किया है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड और एंगल है वो आएगा, ठीक है, जीरो प्लस, इसमें जीरो रखो तो जैसे हम जीरो रखेंगे यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू जीरो, तो वन अपॉन जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओके, और टेन इनवर्स जीरो कितना होगा आपका, टेन इनवर्स जीरो होता है आपका जीरो, तो ये आपका एंगल बचेगा वो बचेगा इनफाइनाइट माइनस 90 डिग्री। ओके, सेम हम किसके लिए चेक करेंगे, इन्फिनिटी के लिए, तो जी जे इन्फिनिटी प्लस एंड एच जे इन्फिनिटी प्लस, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, वन अपॉन इन्फिनिटी होता है जीरो, एंड ये आपका माइनस 90 था, माइनस 90 डिग्री, माइनस टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी आप जानते हो कितना होता है, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और माइनस 90 माइनस 90 ये दोनों ऐड होने के बाद हो जाएंगे माइनस का 180 डिग्री। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और इसमें एक शॉर्टकट और मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट क्या है आपका, जैसे कि हमने यहाँ पुट किया है जे जीरो एच जे जीरो। ठीक है, तो ये जो आपका इक्वेशन है इसमें सीधा पुट कर दीजिए, तो वन अपॉन ये हो जाएगा आपका जे जीरो, और इधर हो जाएगा वन प्लस जे जीरो। ओके, तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, वन एंड जे जीरो में बड़ा कौन है आपका, वन, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, जीरो, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हमने नेगलेक्ट किया तो बचा केवल क्या है, वन। ठीक है, ये प्योरली वैलिड ट्रिक है। ठीक है, आप इसको इनवैलिड ना माने, आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं वैल्यू पुट करके, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इधर बचेगा क्या, जे जीरो इंटू वन, तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन जे जीरो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी, और एंगल आ जाएगा माइनस का 90 डिग्री। तो वही देखिए आप, अभी हमने यहाँ रख के चेक किया था तब भी वही आया था, और शॉर्ट ट्रिक से हमने किया है तब भी वही आया है। तो इन्फिनिटी वाली भी चेक कर लेते हैं, जे इन्फिनिटी, जी जे इन्फिनिटी, एच जे इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी वन अपॉन, पुट कर दीजिए, जे इन्फिनिटी वन प्लस जे इन्फिनिटी। अच्छा, वन और जे इन्फिनिटी में वैल्यू किसकी बड़ी है, वैल्यू तो इसकी इन्फिनिटी है बहुत ज़्यादा, तो हम इसको वन को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, वन अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, वैल्यू इधर भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है, तो वन अपॉन इन्फिनिटी लिख सकते हैं हम इसको। और एंगल देखो, ये जे है, ये भी जे है, ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे दोनों के दोनों, माइनस 90 माइनस 90, तो एंगल हो जाएगा आपका माइनस 180 डिग्री, और वन अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा जीरो, एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस। तो देखिए ये भी हमने यहीं पे इस तरह से लिखा था, तो आप समझ गए होंगे कि किस हद तक ये ट्रिक आपकी वैलिड है। ठीक है, अभी भी आपको यदि कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको फिर से प्रूफ दे के समझा देता हूँ। देखिए चलिए समझते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसका पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि इसका प्रूफ क्या है। ओके, तो
तो देखिए इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, नाइक्विस्ट प्लॉट। हमने क्या देखा है आपका कि यदि हम ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं, ठीक है, तो इसकी मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी आता है, एंगल आता है माइनस का 90 डिग्री, और यदि ओमेगा की वैल्यू हम इन्फाइनाइट पुट कर देते हैं तो एंगल आता है माइनस 180 डिग्री और मैग्नीट्यूड आता है आपका 0 डिग्री। तो इसका जो ग्राफ बनेगा जीरो प्लस पर तो ये कुछ यहाँ पर आ रहा है सपोज की इन्फिनिटी पर, ठीक है, और एंगल कितना है यहाँ पर माइनस का 90 डिग्री है, ठीक है, और इधर की साइड से जो एंगल आएगा, इस साइड से जो आपका एंगल आएगा वो होगा आपका माइनस का 180 डिग्री, ठीक है, और मैग्नीट्यूड आपको कितना लेना है आपको 0 डिग्री। तो मैं कुछ इस तरह से आता हुआ एक ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे जी इन्फिनिटी प्लस, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस पे वैल्यू यहीं पर आ रही थी और इन्फिनिटी जे जीरो प्लस पे वैल्यू यहाँ पर आ रही थी। तो कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा ये पोलर प्लॉट और यहाँ पर जाके एंड हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ पोलर प्लॉट हो जाएगी। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ से हमें समझ में आया कि जो आपका प्लॉट था वो कहाँ पर आया है, थर्ड क्वाड्रेंट पर आया, कहाँ पर आया है, थर्ड क्वाड्रेंट पर। तो यदि आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो मैं इसका प्रूफ देता हूँ। देखिए हमने अभी देखा, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, हमने क्या देखा, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू कितना है आपका 1/j ओमेगा 1+j ओमेगा। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जे स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो माइनस जे स्क्वायर लिख दिया हमने, अपॉन जे ओमेगा 1+j ओमेगा। इसको हमने पोलराइजेशन कर लिया तो 1+j ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/(1-j ओमेगा) से डिवाइड भी कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक जे से हमने एक जे को कैंसिल कर दिया है, ओके, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का जे 1-j ओमेगा अपॉन ये आएगा ओमेगा, और ये हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1+ω², ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो जे और जे का हो जाएगा जे स्क्वायर, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस का साइन आ जाएगा ये आपका, ठीक है। तो यहाँ से इतना आया आपका, यहाँ से हम कर सकते हैं सेपरेट रियल एंड इमेजनरी पार्ट, रियल एंड इमेजनरी पार्ट को हमने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। तो सेपरेट करेंगे, देखिए तो जो 1 के साथ वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पार्ट होगा 1 × j अपॉन ओमेगा 1+ω², ठीक है, तो ये तो हो जाएगा इमेजनरी पार्ट, लेकिन जैसे ही ये वाला जे आपका इस जे से मल्टीप्लाई होगा तो जे एंड जे इक्वल टू जे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस भी साइन था यहाँ पर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट। तो रियल पार्ट यहाँ से क्या आने वाला है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ से ये आएगा माइनस का 1 अपॉन, और ये ओमेगा से ओमेगा बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1+ω², ओके, और इमेजनरी पार्ट जो आपका आएगा वो जे 1/(ω) 1+ω² इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो रियल और इमेजनरी पार्ट हम देख चुके हैं। अच्छा, रियल पार्ट देखिए नेगेटिव आ रहा है, ओमेगा की वैल्यू यदि 0 पुट करो तब भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 1 पुट करो तब भी नेगेटिव आएगा, ओमेगा की वैल्यू कुछ भी पुट करो यहाँ पर रियल पार्ट हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव। तो रियल पार्ट क्या है आपका, नेगेटिव फॉर ऑल पॉजिटिव ओमेगा, सभी पॉजिटिव ओमेगा के लिए इस रियल पार्ट की वैल्यू क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। इमेजनरी पार्ट देख लेते हैं, ठीक है, सेम केस क्या है इमेजनरी के लिए, कि जब जब आपका ओमेगा फॉर ऑल पॉजिटिव ओमेगा, जब जब पॉजिटिव ओमेगा रहेगा तब तक इमेजनरी पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो अभी तक हमने इसमें क्या देखा था कि सारी ओमेगा की वैल्यू हमने पॉजिटिव ली थी, जीरो से लेकर इन्फिनिटी प्लस तक, तो जब भी आपकी ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजनरी नेगेटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अभी हमने देखा था जो आपने ग्राफ बनाया है शॉर्ट ट्रिक से, वो भी कहाँ बनाया है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप समझ चुके होंगे।
ओके। सेकंड, अब हमको कमेंट करना है इसकी स्टेबिलिटी पर, सिस्टम स्टेबल है और नहीं, तो इसको हमें आंसर कमेंट करना पड़ेगी। ठीक है, तो सपोज कीजिए हमने यहाँ पर कोई पॉइंट था आपका -1j0। ठीक है, -1j0 को ये इंक्लूड कर रहा है या नहीं, इसको हमें अभी देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले मिरर इमेज बनाएंगे। तो मिरर इमेज बनाने के लिए हम किस तरह बनाएंगे इसकी, इस तरह से इसकी बन जाएगी मिरर इमेज। मिरर इमेज बनाने के बाद ठीक है, इसके पॉइंट को नाम देंगे, ये होगा आपका जी इन्फिनिटी माइनस, और यहाँ पर क्या होगा जी जीरो माइनस। ओके, और इस डायरेक्शन में आपका ये क्लोज होगा। अब हमको करना है एनसर्कलमेंट। एनसर्कलमेंट हम लोग जानते हैं कि एनसर्कलमेंट ये फर्स्ट केस है क्लोजिंग ऑफ नाइक्विस्ट। तो फर्स्ट केस में हमने देखा था यदि ओरिजिन पर आपके पोल्स हों, तो ओरिजिन पर पोल्स होने के केस में हम लोग एनसर्कलमेंट करते हैं एन पाई से। कितने से? एन पाई से। और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी? वन, क्योंकि ओरिजिन पर केवल क्या है, एक ही पोल है। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या किया है, इसको एक पाई से इसको एनसर्कलमेंट कर देंगे। तो हमने क्या किया, इस जीरो नेगेटिव से जीरो पॉजिटिव की तरफ एक पाई से हमने क्या कर दिया, इसको एनक्लोज एनसर्कलमेंट यहाँ पर कर दिया। तो इस तरह से ये बन गया है आपका नाइक्विस्ट प्लॉट। ठीक है, अब हम कमेंट करते हैं इसकी स्टेबिलिटी पर। तो स्टेबिलिटी पर कमेंट करने के लिए आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, एन इक्वल टू पी प्लस माइनस जेड प्लस। एन की वैल्यू क्या है, देखिए इस माइनस वन जे जीरो को ये एनसर्कलमेंट कर रहा है या नहीं, ये पूरा पाथ तो इधर है आपका इस तरफ, लेकिन माइनस वन जे जीरो आपका इस तरफ है, तो इसको एनसर्कलमेंट नहीं कर रहा है। तो एन की वैल्यू आपकी हो जाएगी जीरो। ठीक है, पी प्लस, पी प्लस मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में आपका कोई पोल है क्या, यहाँ पर देखिए कोई पोल राइट हैंड साइड में नहीं है, ओरिजिन पर है उसको हमने एक्सक्लूड किया है लेकिन राइट हैंड साइड में नहीं है। तो पी प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। ठीक है, माइनस जेड प्लस, तो यहाँ से हमें पता चला है कि जेड प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। मतलब सिस्टम कैसा है, एब्सोल्युटली स्टेबल। सिस्टम इज एब्सोल्युटली स्टेबल, एब्सोल्युटली स्टेबल। ठीक है, तो केवल इतना ही कॉन्सेप्ट था आपका नाइक्विस्ट में। नाइक्विस्ट आप सीख चुके हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।